क्वेश्चन डन। हाँ हो गया। सर, अच्छा अब इसमें सर स्टूडेंट को, वेट हाँ हेलो, वेट सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा डन सर। अच्छा देखिए इसमें स्टूडेंट एक्चुअली दो चीजें हैं। एक तो ये सिलेंडर दिया है, इसका कुछ डायमेंशंस एंड ऑल वो सब गिवन है। उसके बाद एक बीम है, ये भी तो इसमें दो एलपीडी लगेंगे। तो पहले मैं आपको सिलेंडर का एलपीडी दिखाता हूँ। तो उसके दो कॉन्टेक्ट पॉइंट डी एंड ई, और इसका जो सेंटर पॉइंट लेंगे उस पर सल्फेट आ जाएगा। तो ए डी ई, सपोज सेंटर पॉइंट सी हो गया तो वहां सल्फेट आएगा। उसके बाद सेल्फेट इज 1000 न्यूटन विद दिस आई स्टार्ट। व्हाइट बोर्ड कहाँ है? हेलो पहला ये आपका सिलेंडर है, इसका ये डॉट सपोज सेंटर पॉइंट है, इधर पॉइंट दो जगह था, एक कांटेक्ट है ई एक है डी। तो पहले प्लस करा देते हैं इसका, सेल्फ इट है 1000 न्यूटन, यहाँ आ जाएगा आपका उसके बाद एक बच गया एन ई। स्टूडेंट व्हाट विल बी दिस एंगल एन ई का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस? नीचे 45 था, मतलब ये वाला एंगल देखिए 45। अब। हाँ इसको आप आगे लेके जाएंगे तो इट इज लाइक दिस। तो क्योंकि ये 45 है तो 90 माइनस में भी सेम एंगल आ जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा बोथ विल बी इक्वल। तो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अपने को दो अननोन मिल जाएंगे। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सॉल्व आप लोग कीजिए। उनतालीस दो एक 35 135 इक्वल टू 1000 आ गया स्टूडेंट। तो एनडी जो है आपका वो इक्वल आ जाएगा 1000 के, वो सीधा ही दिखता है। तो एक वैल्यू आपका निकल आएगा 1 सेकेंड वैल्यू आपने काम दीजिए। सर 1414.2। यस सर। पॉइंट ठीक है, तो दो वैल्यू मिल गए। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे तो अभी अपना बीम आ गया, बीम में कांटेक्ट पॉइंट ई मिलेगा, एट पॉइंट बी टेंशन टी आएगा, उसका एंगल भी सेम 45 है, 500 न्यूटन नीचे एक्ट होता है। तो ए ई बी, हाँ मैं इसका भी बीम का एबीडी बनाता हूँ यहाँ साइड में बनाइए। तो दिस इज 45 का एंगल है, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ आपका एच एंड बी कंपोनेंट आ जाएगा, वो हिंज है गिवन पहले से। यहाँ कहीं कॉन्टेक्ट पॉइंट ई है और ये वाला कौन सा पॉइंट था, बी, ये पॉइंट बी। तो पॉइंट बी में क्या है स्टूडेंट, इधर एक
प्लस बना के टेंशन दिखा देंगे, टेंशन टी एंगल ये वाला हाँ दोनों 45 है ना, तो दिस विल बी सीधा आ जाएगा। कॉन्टेक्ट पॉइंट जो ई पॉइंट है स्टूडेंट, ई पॉइंट पे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट का परपेंडिकुलर एन ई आएगा, वैल्यू उसका आई थिंक 1.4 वाला यही है ना, तो ये वैल्यू है पॉइंट में जो है आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ये एंगल 90 का है। अब इसमें स्टूडेंट कुछ बीम वाले बीडी में कुछ बाकी है क्या आपके हिसाब से, क्वेश्चन देख के बताओ। इसमें पहला पॉइंट अपना क्या स्टूडेंट, व्हाट इज ए ई डिस्टेंस क्या है, डायमेंशन क्या है, वो अपने को निकालने का है। सर वो 250 न्यूटन क्या दिया है? हाँ वो जो है सेल्फ वेट ऑफ द बीम, तो डब्ल्यू ए बी इसको लिखते हैं, सपोज डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 250 न्यूटन, तो अपने को वो भी दिखाने का है। और वो शॉक अटैच्ड है, सिंस लिसन सिंस नथिंग इज गिवन, तो वी विल अज्यूम दैट वेट ऑफ बीम 250 न्यूटन इज एक्टिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सपोज ये पॉइंट जो है ये पॉइंट एम है, इसको मैं लिखता हूं एम, तो मिड पॉइंट पे ये डब्ल्यू एक्ट होता है। मिड पॉइंट का मतलब बीम का जो लेंथ है आई थिंक इट इज 7 मीटर है ना, 7 ना, तो ए एम विल बी इक्वल टू 3.5, तो एक पॉइंट मिल गया। अच्छा अभी अपना ई पॉइंट निकालना मतलब ए ई डिस्टेंस निकालना बाकी है स्टूडेंट, तो वो कुछ सजेशन देंगे आप लोग कैसे निकलेगा? सर एक बार वो डायग्राम दिखाओ ना। हाँ देखिए एक ये देखिए ए ई निकालने को बाकी है अपना। एक्चुअली लोकेशन ऑफ पॉइंट ई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं है वो, बट वी कैन कैलकुलेट। सर मोमेंट इक्वेशन नहीं नहीं देखिए जो पॉइंट ई है ना कैसे बताओ। हाँ गुड यस 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 अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कैसा मिलेगा, साइड में इधर दिखाता हूँ, बाद में वी विल यूज दैट डायमेंशन जो भी कैलकुलेशन से आएगा। तो एक ये हो गया, उसके बाद एक लाइन ऐसा बदल देता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट है और ये बीच का लाइन, ये नीचे का पॉइंट ए है, दिस इज ई, ये वाला डी, ये एंगल आपको मालूम है 45, ये 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है। उसके बाद सिलेंडर का डायमेंशन कितना है, 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर है ना, तो ये सपोज पॉइंट सी है, तो सी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 500 mm, ठीक है, या 50 cm, एक ही बात हो गई। अच्छा स्टूडेंट अभी हाँ तो नाउ इफ यू नो दिस एंगल और दिस एंगल, दोनों में से कोई भी एक एंगल पता है तो वी कैन यूज सम साइन कॉस वाला लॉजिक। सपोज के ये नीचे वाला एंगल मालूम है आपको, दिस एंगल इज नोन, तो उसमें क्या लिखेंगे, सी ई अपॉन ए ई विल बी इक्वल टू 10 ऑफ, सपोज वो नीचे का एंगल अल्फा है, या इसको अल्फा की जगह 10 ऑफ सी
ए, ये ठीक है। हाँ, अब सवाल यह है कि जो एंगल सी ए डी है, इज इट इक्वल टू सी ए ई? तो इसका मतलब ये जो एंगल अल्फा है जो भी है 22.5 हो गया। यस सर। हाँ, तो एक मिनट, तो दिस इज इक्वल टू 22.5। तो अभी इससे आपको ए ई मिलेगा, प्लीज कैलकुलेट ए ई कितना आता है। तो जो वैल्यू मिलेगा ए ई का वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाजू में जो बीम का बेटी। सर वो वन पॉइंट टू वन मीटर ठीक है, आप लोग जो बताएंगे मैं वो लिख देता हूँ। 1.21 ए ई इज इक्वल टू 0.21, जस्ट एक मिनट मुझे अपने हिसाब से देख लें दीजिए। इसमें आपने जो सी ई लिया है वो कितना, 500 लिया है या 1000 लिया है? 0.5 मीटर लिया मैंने। ठीक है हो गया, मुझे वही थोड़ा सा डाउट था। तो अभी स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस भी अपने को मालूम है, इट इज अवेलेबल, मिड पॉइंट का डिस्टेंस भी मालूम है, एंड पॉइंट तो अपने आप आ जाएगा। अभी अपने को, नाउ आई विल टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेके उसका इक्वेशन लिखता है। हाँ वो बाकी है, गुड गुड यस। उसका कितना वेट दिया हुआ है? 500 न्यूटन। एक मिनट इसको लाइन खींच देता हूँ। बाकी कुछ तो नहीं पेंडिंग है भाई, देख लो। मुझे क्या है, जब भी क्वेश्चन दिखता है तो ये सॉल्यूशन नहीं दिखता, सॉल्यूशन दिखा क्वेश्चन नहीं दिखता। तो सेल्फ वेट लगा दिया, हैंगिंग वेट आ गया, टी एल लोन, एच ए वी एल लोन, बाकी सब मालूम है। ठीक है, तो ओके मैं मूवमेंट इक्वेशन लिखता हूँ, कुछ चेंजेस है तो वो इट कैन बी एडिट। तो पहला आ गया माइनस, बट वो ब्लॉक मतलब जो हैंग कर रहा है वो स्ट्रिंग से है क्या? एक मिनट देखते हैं कहाँ है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए सपोज इसमें टेंशन टी लेंगे आप ना, सपोज या टी वन, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। हाँ, तो वी कैन एज्यूम के फाइनल न्यूटन इज एक्टिंग एट पॉइंट बी, उसको सीधा दिखा सकते हैं। तो क्या था, इनटू 1.21। अच्छा, उसके बाद माइनस डब्ल्यू ए बी 250 न्यूटन। स्टूडेंट इसमें कुछ गलती हुआ तो बाद में आप लोग बताइए, चेंज हो जाएगा वो। ए एम 3.5, एक मिनट ये इधर लिखता हूँ मैं। 1.21 माइनस 250, इसके साथ जो डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट वो आएगा डिस्टेंस ये वाला, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, दैट विल बी ए एम का मतलब है 3.5 cos, ये हो गया। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट इसमें एडिशन है वो आएगा 500 न्यूटन का, तो ही माइनस ही है 7 cos, सेम 45 प्लस टी मल्टीप्लाई किससे होगा, कौन से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा टी? 7 kb। हाँ, क्योंकि बीच का एंगल 90 है, तो इससे विद दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ टी। इक्वेशन चेक की कुछ इसमें चेंजेस हैं तो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट, नहीं चेंजेस है तो आप टी का वैल्यू निकाल लीजिए। लिखने में छूट जाता है, आप बता सकते हैं।
सर पी का वैल्यू 686.39 पॉइंट 39। अच्छा बाकी स्टूडेंट भी चेक कीजिए आप लोग। अच्छा ठीक है, तो टी का वैल्यू आपका मिल गया। अब अपने को एच एंड बी निकालने का, मैं साइड में लिख देता हूं। पहला वी ए, वी ए, वी ए माइनस नहीं माइनस 250 माइनस 500 माइनस कॉस साइन कुछ भी लीजिए एक ही आएगा 45 एंगल के, प्लस टी साइन लिख देता हूँ। इससे आपको मिलेगा, यू कैन कैलकुलेट भी है। कुछ मिसिंग है तो आप बता दीजिए, इसमें ऐड हो जाएगा। जस्ट एक मिनट प्लीज। टी का वैल्यू आप लोगों ने 686 पॉइंट समथिंग था वो ले लीजिए, बाकी तो सब नोन वैल्यू है। एक मिनट एक मिनट, 1 2 6 पॉइंट। अच्छा ठीक ठीक ये जी ए आ गया। अच्छा अभी स्टूडेंट एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, तो आपको यस नो में बताने का है जवाब। एच ए विल बी इक्वल टू टी कॉस 45, यस और नो? एच ए विल बी इक्वल टू टी कॉस 45, यस और नो? नो सर। गुड, यस यस, बस बस उतना ही उतना पूछा। अभी तो एच ए का एक क्वेश्चन यहां मैं लिख देता हूं। एच ए माइनस प्लस 1.4 इट विल गिव यू एच ए, निकाल लीजिए कितना आता है। प्लस माइनस, हाँ एक मिनट, प्लस माइनस देख लीजिए 51। ठीक ठीक ऑल ऑफ यू चेक दीज वैल्यूज, डेसिमल में कम ज्यादा ठीक है, और मतलब डबल हाफ आता है तो यू शुड आस्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने भाई। जब डेसिमल में आंसर आते हैं तो रेंज क्या अलाउड होती है फाइनल में? डेसिमल में इट्स ओके, मतलब जैसे आपका वो कैसा होता है कि जो नंबर ऑफ डिजिट है, सपोज के आपने लिखा है कि आपका पहला जो है 3 डिजिट है उसके बाद डेसिमल आता है, तो यहाँ पे आप 0.1 से लेकर 0.9 लिखे कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर वही वैल्यू आपका सपोज ये है 1.2, तो यहाँ पे वो मीनिंग है उसका, आप समझे ना मैं कहने का चाहता हूँ। जैसे जो नीचे वाले नंबर में सिग्नल को चेंज होता है तो वो 1000 में जाएगा ना, 1/1000 में, और यहाँ जाएगा वो आपका, हाँ वो हिसाब से डिसाइड होता है। तो जैसे सपोज के एक्चुअल नंबर है केवल 1 डिजिट का बाद में डेसिमल का है, तो इसके आगे आप एक दो नंबर देख लीजिए, और इधर पहले से 3-4 डिजिट आ गया है तो डेसिमल के आगे थोड़ा कम ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है। वो जैसे 1 kn है, तो 1 kn है आपको 0.1 kn मिला या 0.9, तो उसका मीनिंग अलग है। लेकिन 1000 न्यूटन के बाद डेसिमल है उसमें आपको 0.1 0.9
वाला जो नंबर है तो उससे कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, इस ढंग से इसको आप समझ सकते हैं। मतलब 0.63 है और 0.59 ये अलाउड होगा सर? यस 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 यस, एक्सेप्टेड वैल्यू वो आसपास का ही है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट एग्जांपल, आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलता जुलता ही लेंगे जिससे कि समझने को आसान पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन ये है, तो वैसा ही है, उसमें क्या था, वॉल था और बाकी सिलेंडर था, बीम ये सब चीजें थी, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बाद में आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अच्छा इधर एक दो तीन अनमोल, एक दो तीन चार, ठीक है कॉपी कीजिए, उसके बाद सुन लेते हैं। सर ये सेकेंड चैप्टर है ना? मॉड्यूल टू होते हैं इसको, ऐसा सिलेबस के हिसाब से। सर वो सिलेंडर का डायमीटर 0.4 है क्या? एक मिनट पढ़ता हूँ मैं, 0.5, यस 0.4 डायमीटर है, क्योंकि नीचे का जो बेस लेंथ 0.5 है ना, वो आप देखेंगे तो वो देखने में सिलेंडर का डायमीटर ज्यादा लगता है थोड़ा। यस ठीक ठीक तो वेट दिया इसका, तो वेट सिलेंडर का वेट तो लिखा ही है सामने, सेंटर वेट 100, वेट ऑफ बीम दे हैव नॉट गिवन, तो वी विल एज्यूम इट इज वेटलेस, वेट ऑफ बीम इज नॉट गिवन तो उसका वेटलेस लेंगे। क्वेश्चन लिख के हो जाए तो बताना आप।
सर वेट ऑफ बीइंग मेंशन किया होता तो वो एट सी एक्ट करता है ना, नहीं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो उस देखिए कांटेक्ट उसमें पॉइंट पे ही रखता था नहीं, ना। नहीं, वेट ऑफ बीम, उसके बाद दो ऑप्शंस आते हैं, बीम होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो मिड पॉइंट पे आएगा, कांटेक्ट पॉइंट कहीं भी होने दीजिए, लेकिन उसका जो सेल्फ वेट है इट विल बी एट सीजी ना, मिड पॉइंट मतलब जो भी शेप के हिसाब से आता है। और नॉन होमोजीनियस है तो दे विल स्पेसिफाई कि वेट ऑफ बीम एक्टिंग एट सम अदर पॉइंट व्हिच इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ। किसी क्वेश्चन में आएगा आगे नॉन होमोजीनियस वाला। सर एडी 0.5 मीटर है ना। एक मिनट भाई, ए डी का अंक है। हाँ, 0.5 है। यस, थोड़ा ओके बड़ा सर, करके देखेंगे, 0.5 है। 0.5 है, ए सी 0.5 है, सी से बी तक 0.3 दिया है, 500 न्यूटन, सिलेंडर डाय 0.4, वेट ऑफ सिलेंडर 0.2 200 न्यूटन, बाकी तो डायमेंशन। हाँ ठीक है, बाकी साफ साफ है। हो गया भाई? हाँ सर, अच्छा, अब इसमें वन बाय वन एक एक कंपोनेंट लेके देखते हैं। तो पहला न्यूटन कॉन्टेक्ट पॉइंट सी और डी, ई का टेंशन है, क्या हो गया? वेट ऑफ सिलेंडर 200 न्यूटन, कॉन्टेक्ट पॉइंट न्यूटन का नीचे वाला है डी, तो डी मीन्स ऐसा आ जाएगा एल डी, यहाँ पे टेंशन टी आएगा। उसका देख कांटेक्ट पॉइंट बच गया अपना, दैट इज पॉइंट सी। तो सी पॉइंट सपोज यहाँ है, तो ये आ गया। तो इसमें स्टूडेंट अननोन कितने, अपने तीन अननोन है, तो वी गो टू बी, उसमें देखते हैं क्या मिलता है अपने को। बी इज मीन्स ए ई सी बी, तो ए का मतलब है एच ए बी ए, पॉइंट ई से टेंशन कनेक्ट है ना, तो सपोज ये पॉइंट ई यहाँ है, और पॉइंट सी के सिलेंडर कांटेक्ट में है, तो एन सी आएगा, और लास्ट में सम वेट इज हैंगिंग 500 न्यूटन, ये यहाँ वो है ए ई सी डी। अब स्टूडेंट बीम में कितने अननोन है, ये 4 अननोन, तो अभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? दो एमपीटी के जो सामने है अवेलेबल है, इसके हिसाब से सजेस्ट कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये दोनों चीजें। और अपने को वो एंगल पता है क्या? एंगल एंगल, अच्छा ठीक है, अभी एंगल का भी बात कर लेते हैं। नहीं, एक एंगल मिनट, निकालेंगे निकालेंगे, विल कैलकुलेट। देखिए 0.5 और 0.2 का डबल है, तो एंगल जो है स्टूडेंट वो ऐसा आएगा, देखिए ऐसा हो गया। उसके बाद
सेंटर पॉइंट परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया 90 90, ये पॉइंट ए है, सी और ये डी होगा, ये सी है, ये सपोज डी है, तो दिस इज पॉइंट फाइव। उसके बाद ये जो है पॉइंट टू है, पॉइंट टू है, उसके बाद अपने को एक्चुअली वी वांट दीज दिस फुल एंगल एक्चुअली। तो पहला क्वेश्चन है दोनों हाफ आप मतलब इक्वल होंगे क्या अल्फा एंड अल्फा? यस सर। तो अपना वो काम तो हो गया, अब ये अल्फा निकालो उसका डबल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट सपोज पॉइंट ओ है, तो एक दो टेन अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू टू अपॉन फाइव, अल्फा कितना आएगा 2.18 21.8। अच्छा 21.18 8। अच्छा ओके, तो इसका मतलब एंगल ओ ए डी सामने निकाला आपने, सी ए डी निकालने का, तो इसका डबल हो जाएगा। तो अभी आपने जो पूछा था स्टूडेंट एंगल, तो वो तो मिल गया, अब कैसे सॉल्व होगा बताइए। नाउ कैन वी सॉल्व इट? अभी भी नहीं होगा। यस सही बोला आपने। अब स्टूडेंट इसमें कैसा है, एक नया एफबीडी बनाएंगे हम लोग, ये जो अवेलेबल है तो है ही अपने पास, नया एफबीडी इधर से बनाएंगे। इसमें ये पॉइंट ए है, एच एंड बी, पॉइंट ए का एच एंड बी है। उसके बाद ये वाला पॉइंट था डी, इधर इसका सेल्फ अटैक होता है, ये है 200 न्यूटन, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू से लिखते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू एक्ट होता है। उसके बाद क्या बच गया, टेंशन टी, यहाँ जो है एक मिनट, टेंशन टी अपने जगह पे है, और जहाँ पे आपका कितना है 500 न्यूटन है। अभी स्टूडेंट आप ये वाला फिगर देखिए, मैंने इसमें क्या किया है कि ये एफबीडी बनाने के लिए जो बेस प्लेन था वो हटा दिया मैंने, फुल सिस्टम एज इट इज है। तो इसमें अननोन आपके हैं तीन, ठीक है, यस सर। हाँ, तो जो कांटेक्ट को आपने अलग किया है, आइसोलेट किया है, केवल वही पॉइंट पे आपको सपोर्टेशन दिखाने का है। पॉइंट ए आइसोलेट किया तो एच बी ए दिखाया, पॉइंट डी आइसोलेट किया तो एफ डी दिखाया, पॉइंट सी इंटैक्ट है और पॉइंट ई इंटैक्ट है, तो इसमें एन सी और टेंशन टी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसको अलग अलग किया ही नहीं है हमने। अब इस क्वेश्चन मतलब एबीटी में जो सामने गिवन है, इसमें अपने को सिग्मा एम ए लेंगे तो एच बी कैंसिल हो गया, एन डी इज द ओनली अननोन, तो हो जाएगा एन डी इंटू पॉइंट फाइव प्लस उसके बाद माइनस माइनस 500 इंटू ए बी, लेंथ मालूम है क्या ए बी का, ए बी लिखा है 0.8, पॉइंट नहीं 0.8 कॉस
टू अल्फा, मैं टू अल्फा की जगह वैल्यू लिख देता हूँ, रियल हो जाएगा 42 पॉइंट, नहीं 43.6 आएगा ना। तो इससे आप लोग कैलकुलेट कीजिए एन डी का वैल्यू। ओके ठीक। एक दो स्टूडेंट और चेक करके बताइए सेम वैल्यू आता है क्या। यस सर। अच्छा भाई ये एक्सेप्टेड हो गया। अब स्टूडेंट्स एच ए बी ए से निकल जाएगा आपका समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से, मिलेगा नहीं मैं लिख देता हूं वी ए माइनस 500 माइनस 200 प्लस एन डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो वी ए कितना आएगा बताइए। बी ए का वैल्यू ठीक है, एक दो स्टूडेंट चेक कीजिए मतलब माइनस ही आता है क्या। हाँ हाँ जो लिखा है सामने लिखा है। यस सर। अच्छा ये चेक हो गया। अब एच ए भी इससे निकाल सकते हैं आप। एच ए कितना आ जाएगा, कुछ इंक्लाइंड है लोड नहीं है ना। नो सर। हाँ अगर आपको अब टेंशन टी निकालना है सपोज तो एन डी नॉन वैल्यू है ठीक है, हम तो टेंशन टी निकालने का है। तो ये देखिए टेंशन टी आपको इनकेस निकालने का है तो इसमें कितना निकाला था 779 पॉइंट, तो ये आपका नोन वैल्यू आ गया। दो अननोन है अपने को, एक्चुअली एंगल लगेगा ये वाला, तो ये एंगल कितना आएगा। स्टूडेंट्स एनसी का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस यहां से देखते हैं, यहां से समझेगा अपने को, इट इज लाइक दिस, ऐसा लाइन आएगा, ये लाइन हो गया, तो एक्चुअली इट इज दिस एंगल, वो 90 माइनस 42 पॉइंट, नहीं 43.8, तो वो हो जाएगा ये जो एंगल है कितना आ गया बताओ। पॉइंट सिक्स है क्या। अच्छा हाँ हाँ ठीक, 0.6 यहाँ किया तो उसके बाद अब ये इसमें स्टूडेंट ये जो एफबीडी ऑफ सिलेंडर गिवन है इसमें समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से आप टेंशन टी निकाल लीजिए, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, बाकी दो ही अननोन है, दो ही क्वेश्चन में मिल जाएगा।
तो इसमें यू कैलकुलेट टी का वैल्यू। एंगल आपने एंगल वापस से चेक कीजिए मैंने सही खाया कि नहीं, इट इज 90 माइनस थीटा। यस सही है, ये वापस सेम इक्वल आ जाएगा। तभी से आप निकालेंगे, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ टेंशन टी निकालने का ना। तो पहला समीशन एफ आई लिख देता हूँ। एफ वाई का मतलब है -200 प्लस एन डी माइनस एन सी साइन 46 पॉइंट, इससे आपको मिलेगा एन डी। और ये नहीं नहीं इसी मिलेगा, एक दफे ये मिल गया आपका तो समेशन एफ वाई में आप लिखेंगे तो नहीं क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ किया है। सही लिखा है स्टूडेंट समेशन एफ वाई समेशन वाई -200 प्लस एन डी माइनस इसका कंपोनेंट दिया, ठीक बराबर है। अच्छा एक्स लिखने का, यस मैं कंफ्यूज, मुझे लगा एक्स लिख दिया गया। माइनस टी प्लस एन डी कॉस ऑफ दिस एंगल 46 पॉइंट। इससे एनसी का वैल्यू 800 हाँ, और टी का वैल्यू 551.69। तो स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन में क्या आ गया, ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक चीज हमें क्या समझ में आया है कि कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में कुछ भी हो अपने को ये मालूम है कि हाउ टू यूज एफबीडी ऑफ अ गिवन सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, वो सब अपने को समझ में आता है तो वी कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो इसमें वही मेन पॉइंट था, जैसे अभी तक सीधे सीधे एक एफबीडी में निकलता था, इसमें तीन लग गए अपने को, पिछले क्वेश्चन में दो एफबीडी लगे थे, उसके पहले में सब में सिंगल एफबीडी लगता था। पर समझेगा कैसे कि कहां पे आइसोलेट करना है सिस्टम को? हाँ उसमें क्या होता है, जैसे आपने ना मैंने पहले क्या किया, वो जानबूझ के दो ऐसे एफबीडीज बनाए जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, इट मींस वी कैन नॉट सॉल्व। उसके बाद गो फॉर द ऑप्शन जिसमें अननोन्स मिनिमम आते हैं, वो होगा पहला एफबीडी आपका, जैसा कि जो मैंने लास्ट बनाया एक्चुअली शुड हैव बीन एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग, लेकिन वो बिगिनिंग बताता तो आपको लॉजिक समझता नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। ओके सर। हाँ तो ये एक अपने को अंदाजा मिलता है कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स अभी अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ अपने पास, स्टार्टिंग विथ 1 D2C। हाँ ओके नेक्स्ट, 2 एबसेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखना, हाँ लिखते जाइए मैं जो मिसिंग है वो लिख लूंगा मैं। हाँ 6 7 8 9 एबसेंट, 9 99 है भाई, 9 चाहिए अपने को। ओके ठीक है चलो अगले चलो। हाँ ओके ठीक है, 10 11 एबसेंट, 13 एबसेंट है, आगे चलिए देखते जाइए, 14 एबसेंट, ओके हाँ ओके, नेक्स्ट 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 21 हो गया, 22 एबसेंट, 22 है ठीक है ओके, 25 एबसेंट, 25 है, 6 7 8 9 10 31 2 3 4 35 एबसेंट,
35 एब्सेंट, 36 लिखो, हाँ उसके बाद 7, 8, 9, 10, 41, 2, 42 एब्सेंट, 42 है, ठीक है। अगला लिखो नेक्स्ट स्टूडेंट, 43, 44, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 49 है, 50 भी है, ठीक है। 51 एब्सेंट है, 51 लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 52, 53, 54, 55 है, 56 हो गया, 57 एब्सेंट अभी तो नहीं लिखा इन्होंने, हाँ 60, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट 64 एब्सेंट है क्लास में, 65 लास्ट स्टूडेंट ना, तो स्टूडेंट एब्सेंट नंबर से 2 सर, 2 प्रेजेंट है। अच्छा पहले नहीं लिखा आपने, कोई बात नहीं, नहीं हाँ ठीक है ठीक है। 11 सर, 11 प्रेजेंट है, कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके 35, 57 डन, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर।